Today we are going to learn association, aggregation and composition in object oriented programming. तो अभी हम इनहेरिटेंस लर्न कर रहे हैं, तो ये इनहेरिटेंस के पार्ट हैं, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन. एसोसिएशन आपका कब होता है, जब आपकी एक क्लास दूसरे क्लास से एसोसिएटेड हो. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्लास है और एक डिपार्टमेंट क्लास है, तो मेनी स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद सिंगल डिपार्टमेंट एंड सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएटेड विद मल्टीपल डिपार्टमेंट, बट देयर इज नो ओनरशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड बोथ हैव देयर ओन लाइफ साइकिल. तो ये आपका एसोसिएशन है. जैसे कि एक स्टूडेंट जो है कई कोर्स ऑप्ट कर सकता है और एक ही कोर्स कई स्टूडेंट के द्वारा ऑप्ट किया जा सकता है. तो इसमें रिलेशनशिप आप शो कर सकते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. और इसमें एक और चीज़ होती है कि मान लो कि आपने ये स्टूडेंट क्लास डिलीट कर दें, तो इससे जो है डिपार्टमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. तो इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं. एसोसिएशन इज सिमेंटिकली वीक रिलेशनशिप बिटवीन अदरवाइज अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएशन इज अ यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन विच द ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ टाइम एंड देयर एंड देयर इज नो ओनर. तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिखाया कि डॉक्टर और पेशेंट का, कि एक डॉक्टर से कई पेशेंट एसोसिएट हो सकते हैं और एक पेशेंट कई डॉक्टर के पास विजिट कर सकता है. फिर नेक्स्ट है आपका एग्रीगेशन. तो ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एसोसिएशन का. जैसे आप देखें कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कि एक एम्प्लॉय अगर है वो किसी कंपनी से एसोसिएट होगा. लीगली वो किसी मल्टीपल कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकता. तो ये आपका क्या है, एग्रीगेशन है. तो एग्रीगेशन इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ साइकिल बट देयर एग्जिस्ट एन ओनरशिप एज वेल. एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मान लो किसी कंपनी में एक मैनेजर है और उस मैनेजर के अंदर बहुत सारे लेबर वर्क कर रहे हैं, तो वो भी एक आपका एग्रीगेशन का एग्जाम्पल है. तो एग्रीगेशन इज टिपिकली होल और पार्ट रिलेशनशिप बट इट मे और मे नॉट डिनोट फिजिकल कंटेनमेंट. अब नेक्स्ट आपका है इसमें कंपोजिशन. ठीक है, कंपोजिशन से पहले ये ऑल लाइन है. एन एम्प्लॉई में बिलोंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर इफ द डिपार्टमेंट इज डिलीटेड द एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एसोसिएशन में हमने देखा था कि क्लासेस अगर डिलीट होती हैं तो वो दूसरे क्लास को अफेक्ट नहीं करती. अब नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन. तो कंपोजिशन इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन इन विच इफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट वुड सीज टू एग्जिस्ट. कंपोजिशन में क्या होगा, जैसे आप देखिए कोई भी हाउस जो है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ रूम जो है वो किसी हाउस को बनाते हैं. तो यहाँ इसमें कंसिस्ट ऑफ वर्ड यूज होता है. और एग्रीगेशन में हैज, जैसे लाइब्रेरी हैज अ बुक, लाइब्रेरी हैज अ स्टाफ, इस तरीके से यूज होता है. लेकिन इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ यूज होता है. तो अगर आप रूम भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो हाउस भी आपका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. रॉबर्ट लफोरी में जो है एग्रीगेशन का एक अच्छा डिफिनेशन दिया है कि एग्रीगेशन में अगर व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. यहाँ देखिए ये क्लास है और ऑब्जेक्ट ए जो कि ए क्लास का है वो एक एट्रीब्यूट है किसका, क्लास बी का. तो यहाँ पे आपका क्या अगर करेगा, एग्रीगेशन. और जैसे मैनेजर हैज़ अ कार्ड टू एंटर कंपनी प्रीमाइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन. और मेनी वर्कर्स कम अंडर मैनेजर, इट इज एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन.